शीट में क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स थे। पहला न्यूमेरिकल है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन फाइंड ए क्रॉस बी। मैंने सिखाया था ए क्रॉस बी निकालना, आई माइनस जे के ले लेना, ए वेक्टर के कोफिशेंट एक तीन और दो लेना और बी वेक्टर के तीन एक और दो लेना। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। अब इसमें क्या करना है, आई कैप, यहाँ आई कैप लिखेंगे तो 3 × 2 − 2 × 1 माइनस जे कैप लिखेंगे तो 1 × 2 − 2 × 3 प्लस के कैप लिखेंगे 1 × 1 − 3 × 3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। सबका आ गया था ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, आ गया सबको, ध्यान से देख लो सबको आ रहा है, क्योंकि इस शीट में से अगली बार फिर टेस्ट है सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का। ध्यान से सुन लो, साइन न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। आज डॉट का है, अगली बार क्रॉस का है, हिसाब साथ साथ करना है। संडे को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सभी का है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, बात खत्म, साथ 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 प्रैक्टिस होएगी। ठीक, नेक्स्ट है प्रूव दैट दीज टू वैक्टर्स आर पैरल टू ईच अदर। कैसे करते हैं पैरल, दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना है, अगर जीरो आ रहा है तो दो वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर में आई माइनस जे के, ए वेक्टर के कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लिखें, आई को रख के 3 × 3 − 1 × 9 सॉल्व करें, चेक करें आंसर क्या आ रहा है, जीरो। और अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब दो वेक्टर आपस में 90° पे ही हैं। कोई डाउट इसमें, हो गया था सबका प्रूफ ये? और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं तो उनका क्या है, ओह सॉरी मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा था, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। ये सेंटेंस कंप्लीट करना था, तो अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो और अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ऐसे चेक करना है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। तो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों को ऐड करके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। फिर आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, इस वेक्टर में से ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करेंगे, अब दो नए वेक्टर आ गए, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई माइनस जे के लेके, तो इसका कोफिशेंट 5 5 5, इसका कोफिशेंट −1 1 and −3, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आंसर आएगा। तो मतलब ए प्लस बी वेक्टर अलग निकलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अलग निकलेगा और फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कैसे करना है? नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वेक्टर्स आर पैरेलल। ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ए निकाल लो, तो एक काम करो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। तो ये लिखो आई माइनस जे के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट में इसका कोफिशियंट क्या है 3 3 9, इसका कोफिशियंट क्या है 1 a और 3, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई कैप 9 − 9 है, माइनस जे कैप 9 − 9 एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये पता है कि ये पूरी जो वैल्यू है इक्वल टू जीरो है, ऐसा कब होगा, जब आई का कोफिशियंट इक्वल टू जीरो होगा, जे का कोफिशियंट इक्वल टू जीरो होगा, के का कोफिशियंट इक्वल टू जीरो होगा। तो तुम यहीं से पकड़ लो, आई का कोफिशियंट जीरो करने के लिए दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया इक्वल टू जीरो है, जीरो एक नल वेक्टर है, देखो आपको आंसर जीरो चाहिए, ये तो बात पक्की है। जीरो कब आएगा, जब इसका कोफिशियंट जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, तभी तो आंसर फाइनल जीरो आएगा। तो इसको जीरो करके देखो, तो इसको जीरो करने का मतलब ए की वैल्यू 1 है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कैसे करना है इसमें, हो गया था ये सॉल्व, ट्राई किया कृष्णा, ट्राई की थी शीट, सुन के आए हो, वेक्टर प्रोडक्ट क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर
फाइव में आपको ये दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। एक यूनिट वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो क्या रूल बताया था, अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आना चाहिए तो कैसे आएगा, दोनों का क्या लेना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर वर्ड जब बोलेगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेंगे। ना 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 ना, ना। देखो उसने ये नहीं कहा प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वो बोलता प्रूव करो मैं डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देता। उसने कब कहा प्रूव करो, वो तो कह रहे हैं मुझे एक नया वेक्टर निकाल के दो। हमने क्रॉस प्रोडक्ट की आखिरी प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 नंबर प्रॉपर्टी थी, जाते हुए आखिरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर दो वेक्टर गिवन है और आप एक नया वेक्टर निकालना चाहते हैं जो दो वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे एंगल बनाए तो टेक क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर निकलता है वो ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर के 90 डिग्री पे ही निकलता है। तो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इन दो वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो मैंने इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके एक नया वेक्टर निकाल दिया, यह नया वेक्टर ये आ गया। ये नया वेक्टर जो आएगा वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मान लो वो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, हो सकता है इतना ही क्वेश्चन पूछ ले कि आपको ए वेक्टर दे, आपको बी वेक्टर दे, और आपसे ये पूछे कि एक नया वेक्टर निकाल के दो जो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के साथ एंगल 90 बनाए। तो आप सिंपली क्या करना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, ये आंसर आ गया। पर आपको ये वेक्टर ने पूछा, आपको यूनिट वेक्टर पूछा है, तो यूनिट वेक्टर के लिए इसमें अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो -5 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आंसर, ये आएगा आंसर। तो क्या ये पॉइंट्स सबको समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक? तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, ठीक? कितनों का आ गया था ये, आ गया, ठीक है। फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कितनों का आ गया, कैसे किया, ऐसे किया। अच्छा, ये करने के बाद मेरे को ख्याल आया इससे आसान तरीका भी था, चलो पहले ये बता देता हूँ। मुझे साइन थीटा निकालना है, मैंने भी सोचा यार साइन के लिए क्रॉस यूज़ करते हैं, कॉस के लिए डॉट यूज़ करते हैं, तो मैंने भी कहा चलो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एन कैप को छोड़ दें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू आएगी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए बी। तो आप एक काम करना, आपको ए वेक्टर पता है, आपको बी वेक्टर पता है, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके नया वेक्टर निकाल देना, उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना, मैग्नीट्यूड यहां पुट कर देना, कोई नंबर आएगा उसको ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ए का मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा, डिवाइड करना आंसर आएगा। करने के बाद रिलाइज हुआ, मतलब मुझे खुद ही लंबा लगा इसलिए मैंने खुद सॉल्व नहीं किया, ऐसे लिख दिया कि स्टूडेंट को दे दूंगा, स्टूडेंट कर लेगा। पर फिर मुझे याद आया कि ऐसा करने की मुझे जरूरत ही नहीं थी। बोलो मेथड नंबर 2, ना डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट से क्या निकल सकता है, कॉस थीटा, कैसे, ए वेक्टर डॉट, तो एंगल निकालना सबको आता है तो तुम कॉस निकाल लो, फिर राइट एंगल लेके जब कॉस थीटा की वैल्यू पता लग चुकी है पाइथागोरस की साइड निकाल के साइन थीटा निकाल देना आंसर। ये मेरे को ज़्यादा आसान लगा क्योंकि डॉट से एंगल निकालना ज़्यादा ईजी है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक तो ये भी है, पर डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा आ गया और एक बार कॉस थीटा आ गया वहाँ से साइन थीटा तो अपने आप आ ही जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कॉस थीटा निकाल लोगे, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू मान लो आ गई 4/5 तो साइन थीटा ही निकाल सकते, ऐसे 3/5 ऐसे, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल के आंसर निकाल लेना, कोई डाउट इसमें? मेरे को लगता है कॉस थीटा ज़्यादा पसंद आएगा, जल्दी जल्दी होता है ना कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, इसलिए क्रॉस हर कोई अवॉइड करता है, मतलब रास्ते में ना ही आए तो लोग खुश हैं क्रॉस में, डॉट सबको पसंद है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स, उसने क्या बोला, मैग्नीट्यूड 18 चाहिए लेकिन एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दो वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। तो मैंने क्या रूल बताया, अगर दो वेक्टर गिवन है और एक नया वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो तो क्या लेना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट।
तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट लो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के नया वेक्टर आ गया, कोई डाउट इसमें? पर एक प्रॉब्लम है, यहां तक तो हर किसी ने कर लिया, जब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो मेरे पास आंसर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ गया, और जब मैंने चेक किया इसका आंसर 18 नहीं आ रहा, जबकि मेरे को मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, 18 चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कितनों का हो गया ये क्वेश्चन? क्या किया फिर एंड में? नहीं नहीं हाँ, अब इसका इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है पहले चेक करना, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, चेक करो इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करके 3 आ रहा है। तो जो मैंने एक नया वेक्टर निकाला, ये आंसर निकाल लिया, मेरे को ये तो बात पक्का पता है कि ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ एंगल 90 बनाएगा, यहां तक क्लियर है? पर प्रॉब्लम मेरी ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 18 नहीं आ रहा। हाँ यहाँ पे करेक्शन है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 4 में से 2, हाँ कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट, ठीक है, करेक्शन है यहाँ पे, 2 आएगा। तो देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ये बोलता कि ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर्स गिवन है और आप एक ऐसा वेक्टर निकाल के दें जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे हो, तो टेक क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। ये जो वेक्टर आया ये ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंगल 90 बनाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाह रहा है इसका मैग्नीट्यूड 18 भी आए, जबकि जब मैंने सॉल्व किया तो इसका मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 3, अब 3 आ रहा है, मेरे को मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, 18 चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, 6 के साथ, 6 के साथ अगर पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा -6i कैप 12 कैप और यहाँ पर 2 था, 2 × 6 = 12, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 6 के साथ, क्यों किया 6 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, 3, 6 से मल्टीप्लाई करके पूरे वेक्टर को अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो आंसर 18 आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये तो वेक्टर ही चेंज हो गया, ये तो वेक्टर चेंज हो गया। देखो उसने ये बोला कि मेरे को एक ऐसा वेक्टर दो जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, मैंने निकाल दिया, लेकिन जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये नया वेक्टर आ गया। इस वेक्टर, ये जो वेक्टर आएगा ये भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि ना तो मैंने आई कैप को चेंज किया, ना मैंने -j कैप को चेंज किया, या -i कैप को, j को और k को मैंने चेंज ही नहीं किया। यूनिट वेक्टर्स क्या शो करते हैं, डायरेक्शंस, और i, j, k को पॉजिटिव नेगेटिव करने का मतलब डायरेक्शंस को चेंज करना, तो मैंने डायरेक्शंस को तो चेंज किया नहीं, तो मैंने सिंपली क्या किया, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया, वो भी एज पर रिक्वायरमेंट बोला उसने कि मेरे को मैग्नीट्यूड 18 चाहिए इसलिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये जो वेक्टर है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो ये वेक्टर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ एंगल 90 ही बनाएगा, तो आपका फाइनल आंसर ये रहेगा, दिस इज द आंसर। तो ठीक है, वैसे आंसर ये आया था पर उसने मैग्नीट्यूड हमें 18 मांगा तो हमने 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के, ये बात भी पक्की है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैलोग्राम, मैंने सिखाया था कि अगर ए वेक्टर पता है बी वेक्टर पता है और एरिया ऑफ पैलोग्राम पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे एंड में, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप पे आंसर आएगा, फिर आप क्या करेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड जो होगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्या निकालना है, ट्राइंगल निकालना है, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है सच दैट मुझे ओ ए वेक्टर गिवन है और ओ बी वेक्टर गिवन है। ये ओ ए ओ बी क्या होता है, कोई भी वेक्टर जब ओ से स्टार्ट हो मतलब वो कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरे को एक वेक्टर ओ ए वेक्टर गिवन है, मेरे को एक वेक्टर ओ बी वेक्टर गिवन है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, और मेरे को इनसे बना हुआ ट्राइंगल, इनसे बना हुआ ट्राइंगल ये बनेगा, ये बनेगा, मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया, सही है। मेरे को ट्राइंगल का एरिया तो आता नहीं पर मेरे को पैलोग्राम का एरिया तो आता है, तो मैंने क्या किया,
इसके पैरेलल ये साइड, इसके पैरेलल ये साइड इमेजिन कर ली, तो क्या बन गया, एक पैरेलोग्राम। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या तुम इस पैरेलोग्राम का एरिया निकाल लोगे, आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको दो साइड्स का ये वेक्टर फॉर्म गिवन है। OA वेक्टर पैरेलोग्राम की एक साइड है, OB वेक्टर पैरेलोग्राम की दूसरी साइड है, दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो एरिया क्या बनेगा, इसका वेक्टर सम लें, वेक्टर सम के साथ ये एरिया बनेगा, ये वेक्टर नया वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा आपको, एरिया ऑफ अ पैरेलोग्राम। मानते हुए चीज, एरिया ऑफ अ पैरेलोग्राम से दो से डिवाइड कर दो, दो से, तो किसका एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का, ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया पैरेलोग्राम का एरिया है। तो आप सिंपली पैरेलोग्राम का ही एरिया निकालो और फाइनली उसको दो से डिवाइड कर दो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम क्लियर है। इसके अंदर आई माइनस जे करके कोफिशेंट लिख लो, 1, 2, 3 और -3, -2 और 1, ये रहा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आई को इधर रख के 2 × 1 - this into this - j × this into this, तो ये क्या आएगा, ये नया वेक्टर आएगा। ये जो नया वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, जो क्या होगा, एरिया ऑफ अ पैरेलोग्राम, जो कि क्या आ रहा है, √180। पर हमें तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड, 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके फैक्टर बना के 3√5 आंसर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसमें करना कैसे है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक डायग्राम तो आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया है, अदरवाइज चाहिए नहीं होता। अदरवाइज अगर आपको दो पैरेलोग्राम की साइड्स गिवन है तो आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दें, एरिया ट्राइंगल आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो क्या ये रूल सबको क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन ये? ठीक है, फाइंड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फिर से एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कितने का हो गया ये? तो ये कैसे किया आपने, ए बी सी वर्टिसेस गिवन है आपको, इसको ये तो साइड गिवन ही नहीं है, कैसे किया फिर आपने, साइड कैसे निकाल लिया आपको इस, वहां माइनस लेंथ निकालनी पड़ेगी। देखो मैं बताता हूं कैसे, इसके अंदर आपको बेसिकली क्या गिवन है, इसके अंदर आपको तीन वर्टिसेस गिवन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ट्राइंगल है मान लो। अब ट्राइंगल में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसका पैरेलोग्राम ड्रॉ करूं तो पैरेलोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को चाहिए ए सी वैक्टर, मेरे को चाहिए ए बी वैक्टर, क्योंकि मुझे साइड ऑफ पैरेलोग्राम चाहिए होती है, तभी मैं एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ड्रॉ कर पाऊंगा या निकाल पाऊंगा। तो मुझे चाहिए ए सी वैक्टर, मुझे चाहिए ए बी वैक्टर, पर मेरे को ए सी ए बी गिवन कहाँ है, मेरे को तो ए बी सी के वर्टिसेस गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, तो आप बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को क्या कर दें, माइनस, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, तो लेंथ वेक्टर आ जाता है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है, जैसे हमने डिस्कशन की थी। तो क्या शॉर्टकट लगेगा, अगर मुझे ए बी साइड चाहिए वेक्टर में, तो बी कोऑर्डिनेट में से ए कोऑर्डिनेट को क्या कर देना है, माइनस। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, तो ये ए बी वेक्टर आ गया। फिर ऐसी ए सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस, तो सी का वेक्टर निकल जाएगा यहाँ से, 4 i कैप माइनस 3 j कैप k कैप, ऐसी ए का वेक्टर आ जाएगा, दोनों को माइनस करके क्या आ गया, ए सी वेक्टर। तो एक वेक्टर ए बी वेक्टर आ गया, एक वेक्टर ए सी वेक्टर आ गया, तो साइड ऑफ पैरेलोग्राम आ गए। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ अ पैरेलोग्राम को 2 से डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप इसका वेक्टर सम वेक्टर लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट से ये वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लें और उस मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दें। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या सोचना है, कैसे करना है, इसे वर्टिसेस गिवन है तो क्या करना है, साइड्स गिवन है तो क्या करना है, अगर वर्टिसेस गिवन है तो पहले साइड्स निकालनी पड़ेंगी, कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके
इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो पोजीशन वेक्टर्स थे, इन्हीं का बना हुआ जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालना था, तो इन्हीं का पैरेललोग्राम बना के ही डिवाइड बाय टू कर दिया। इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन थे, वेक्टर ही गिवन थे। वेक्टर तो इसमें बनाए, अच्छा इसमें तो बने बनाए वेक्टर है, उसमें बनाने पड़े वेक्टर हमें, डिस्प्लेसमेंट लगा निकालनी पड़ी हमें पोजीशन वेक्टर से, वो तो माइनस करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। नेक्स्ट है, अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड पता है और ए क्रॉस बी करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी दे रहा है ए क्रॉस बी, आपको एंगल निकालना है इनके बीच में क्या होगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के लिए आपको दे तो रहे ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट थ्री का स्क्वायर, टू का स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का मैग्नीट्यूड टू है, बी का मैग्नीट्यूड सेवन है और इंटू साइन थीटा, इसको सॉल्व करके सेवन 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 कैंसिल, साइन थीटा हाफ, थीटा कितना 30, यानी कि पाई बाय सिक्स। आपको ऑब्जेक्टिव जब आते हैं 30 डिग्री बिल्कुल नहीं गिवन होगा, मैं पहले बता दूं आपको पाई बाय सिक्स गिवन होगा ऑब्जेक्टिव में, मन में याद कर लेना पाई का मतलब 180, 180 बाय सिक्स इज 30 डिग्री, ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो समझ में आ रहा है स्टेप कैसे करने, कितनों का हो गया था ये, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसके पीछे करने का। पूछ रहे हैं, आपने पूछा, आपने निकाला ए बी वेक्टर, तो फाइनल बी है, इनिशियल ए है, बी में से ए माइनस, जब निकालना है ए सी वेक्टर, मतलब मैं ए से सी पे जा रहा हूं, तो सी का पोजीशन माइनस ए की पोजीशन, ऐसे करते हैं। अगर शॉर्टकट याद करना है तो ऐसे कर लो ना, ए बी है तो बी में से ए माइनस, सी में से ए माइनस, ऐसे ठीक। नेक्स्ट है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस फोर्स एक्टिंग थ्रू पॉइंट टू, पॉइंट टू का ये पोजीशन वेक्टर है, हो गया। कैसे किया, क्या निकालना है पहले बताओ, कैसे पता लगा टॉर्क निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर आप मेरी असाइनमेंट की प्रॉपर्टी ध्यान से चेक करें, मैंने टॉर्क निकालना सिखाया था लास्ट टाइम, फॉर्मूला क्या था टॉर्क वेक्टर का, आर क्रॉस एफ, उस टॉर्क के आगे एक और नाम लिखा हुआ था, चेक करो, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है टॉर्क, और इसने टॉर्क यूज नहीं किया, इसने मोमेंट ऑफ फोर्स यूज किया, तो इसका मतलब क्या निकालना है, टॉर्क वेक्टर, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, फॉर्मूला पता लग गया। इस क्वेश्चन में फोर्स वेक्टर तो मुझे गिवन है, एफ वेक्टर साइड पे मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है, आर वेक्टर। फिर से एक बार दो पोजीशंस गिवन है, ये पॉइंट नंबर वन की पोजीशन है और ये पॉइंट नंबर टू की पोजीशन है, तो आर वेक्टर कैसे निकलता है, पॉइंट टू में से पॉइंट वन के वेक्टर को माइनस कर दो, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना है, माइनस, तो माइनस करेंगे तो आर वेक्टर आएगा, आर वेक्टर आएगा क्रॉस एफ वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या है, हालांकि इट इज़ टू अर्ली, अभी रोटेशनल मोशन हमने करना है, उसके अंदर ही ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस एक ही न्यूमेरिकल है, अगर आप सोचें कि अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ गया तो नहीं आएगा, क्योंकि रोटेशनल के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर ही कराए जाते हैं, तो अभी बस इकलौता एक ही क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मैंने बता दिया मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क निकालना ही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है इसमें कैसे करना है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना यानी कि क्या निकालना, टॉर्क निकालना, ठीक है यहां तक। हो जाएगा सॉल्व, प्रूव दैट, जितने ये प्रूव के क्वेश्चंस हैं वो ऐसे मत कर देना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, और क्रॉस को तो आप बिल्कुल अगर देखना ही बंद कर दो तो आपको वेक्टर नहीं आते, क्रॉस को आप ऐसे नहीं कह सकते चल छोड़ यार क्रॉस ही तो है, ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा, a क्रॉस a माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a b क्रॉस b, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, लास्ट टाइम किया था i क्रॉस i जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, ए क्रॉस ए जीरो, बी क्रॉस बी
जीरो, इसको देख दो, जीरो ही पुट कर दो। फिर जो प्रूव करना है उसमें बी क्रॉस ए चाहिए, पर मेरे पास क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी, एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया तो मुझे साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्या था ये डिस्कस, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों को ऐड करके आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ए प्रूव करना है तो ऑर्डर चेंज करते ही आंसर आ गया। कितनों का हो गया था ये, ठीक है यहां तक? प्रूव दैट, ये प्रूव कितना का हो गया, मैं तो राइट से शुरू किया, आपने भी राइट से शुरू किया, मैंने भी राइट से शुरू किया, लेफ्ट से तो निकलेगा ही नहीं, लेफ्ट से तो ए बी साइन थीटा निकलेगा बस, तो राइट से शुरू करो। राइट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एज इट इज स्केलर है, इसको ओपन करेंगे तो ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, वन माइनस साइन, वन माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर, अंडर रूट लो आंसर, ए बी साइन थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही टर्म है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, आप राइट से ओपन करेंगे अपने आप लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। कितनों का हो गया था ये वैसे, हो गया था, राइट से शुरू करके लेफ्ट पे आना है। हाँ जी ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, ए पता है बी पता है ए डॉट बी पता है, देखो ए क्रॉस बी का मॉड होता क्या है, ए बी साइन थीटा, ए पता है बी पता है साइन थीटा नहीं पता, तो एक काम करते हैं ए डॉट बी बारह है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा बारह है, ए पता है बी पता है कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा 3/5 आ गया तो ये 4 आ जाएगा पाइथागोरस से, तो साइन थीटा 4/5 आ गया, इस साइन थीटा को यहां पुट करके आंसर आ गया, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? लास्ट क्वेश्चन में नहीं, मैंने राइट हैंड साइड लिया ये वाला, अच्छा इसमें क्या कह रहे हो, ये रहा ए बी साइन, ये रहा ओपन कर लिया ए बी साइन थीटा, अच्छा आप कह रहे हो कि मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें, हम बिल्कुल कर सकते हैं, बट याद रखना आपसे एक साल बाद पूछूंगा इस क्वेश्चन का फॉर्मूला बताना, अगर बता गए ना मैं मान जाऊंगा, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ मेरे को याद नहीं है, आप याद करोगे तो मत याद करने के चक्कर में पढ़ो, ऐसी चीज़ करो जो बस वहीं देखेंगे जो होगा, कोई मिनिमम याद करो, मिनिमम फॉर्मूला याद करो, मतलब क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है वो याद होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे ठीक है। नेक्स्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कितनों का ये क्वेश्चन हो गया, दो बार क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, पहले निकालो ए क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस बी में ए के कोफिशेंट बी के कोफिशेंट, तो यहां से सॉल्व करके क्रॉस प्रोडक्ट लो, आपके पास ए क्रॉस बी सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो पहले ए वेक्टर लो बी वेक्टर लो और फिर ए क्रॉस बी लो, तो ए क्रॉस बी इसके इक्वल आएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि ए क्रॉस बी को आगे फर्दर एक क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, कितना सी के साथ, तो क्या करेंगे
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर तो है, सी वेक्टर भी है, ए क्रॉस बी का कोफिशेंट क्या है -1, -5 और 3, और सी के कोफिशेंट क्या है 1, 3 और -2। तो यहां से सॉल्व करके फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लो, आंसर आएगा, दो बार क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले ए क्रॉस बी का और जो आंसर आएगा फिर उसके बाद सी क्रॉस के साथ भी चलेगा। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? क्रॉस प्रोडक्ट तो आ गया ना निकालना, तो मैं मतलब ये ज्यूम कर रहा हूं कि मैं तो मैं हर क्वेश्चन में निकाल के दिखा भी नहीं सकता, तो आपको ये खुद प्रैक्टिस करनी है और जहां नहीं होगा आपने पूछना है। तो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख गए, फिर सारे क्वेश्चन में एक ही स्टेप लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? तो हो जाएगा सॉल्व यहां तक। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बने हमें आता है, ए वेक्टर बी वेक्टर से पहले ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे, उसको 2 से एंड में डिवाइड कर लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लो, इसका आंसर 27 आ रहा है मेरा, 27 आ रहा है, तो ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी से ये वेक्टर निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड तो 27 ही आ रहा है, 27 आंसर है इसका, करेक्शन कर लो, 27 है, मेथड वही है, क्रॉस प्रोडक्ट लो और मैग्नीट्यूड लो, दैट्स इट, खत्म। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ये हमने नहीं किया। अगर आपके पास दो डायगोनल्स गिवन है पैरेललोग्राम के, साइड्स नहीं है, ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला नोट करें, फॉर्मूला हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो पहला डायगोनल R1 वेक्टर है, दूसरा R2 वेक्टर है, तो चाहे फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का ये भी तरीका है। तो इसको ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी गिवन एज हाफ इंटू डायगोनल वेक्टर 1 डायगोनल वेक्टर 2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला बुक्स में लिखा होता है, हाफ इंटू दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट लो, D1 वेक्टर D2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लो और उसका फिर मैग्नीट्यूड लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, नोट कर लो। ये आंसर गलत आ रहा है, चेक कर लेता हूं, मैंने सॉल्व नहीं किया। तो देखो इसमें क्या किया मैंने, R1 वेक्टर पता है, R2 वेक्टर पता है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, मैंने सॉल्व नहीं किया, आंसर आ रहा नहीं आ रहा मैंने चेक नहीं किया, पर जो भी है मेथड यही रहेगा। पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है यहाँ तक? आंसर क्या आ रहा है, जो आ रहा है ठीक है, बढ़िया है, पेपर में देखेंगे अब जो आएगा, नई कैलकुलेशन करेंगे, मेथड क्लियर है, ठीक है।